मैं कहती थी ना आपसे कि रुखसत कर दें, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। कहां से रुखसत कर दूं, खुद जाके छोड़कर आ जाऊं उसे। अब मैंने ये भी नहीं कहा। उससे पहले भी वो कोई गिफ्ट देता रहा है उसको? मैंने तो एक ही बार देखा। लेकिन आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मुमानी ने कहा तो है कि वो उसके निकाह में है, और अगर तोहफा दे भी दिया नुमान तो कौन सी कयामत आ गई। मुझे पूरा यकीन है अब तक तो तुम दोनों ने अंदाजे लगा लिए होंगे कि न जाने कितने कीमती तोहफे अदर ने दिए होंगे सोमिया को। ऐसी कोई बात नहीं। और राहिला, तुमने नुमान को नहीं बताया कि जब अदन सोमिया के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आया था तो उसने वापस की थी, और तुमने उसे मजबूर किया था कि वो ब्रेसलेट ले। मैं क्या करती? अरे बल्कि उसने मजबूर किया था, ब्रेसलेट छोड़ के चला गया। मैंने कहा कि तुम रख लो, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप उस बेचारी को क्यों सुना रही हैं? सोमिया आके हमें भी तो बता सकती थी ना। आपको बताती, मुझे बताती थी, हम जाके मुंह पे मार के आते उसके वो तोहफा। वो वापस गई थी। पर अगर तुम्हारी गैरत को तस्कीन सिर्फ इस बात से मिल सकती है कि तुम अदन के मुंह पे कुछ मारो, तो बेटा अपनी माँ की सांसें खींच कर उसके मुंह पे मारो, क्योंकि अल्लाह के करम के बाद अगर तुम्हारी माँ का दिल धड़क रहा है तो सिर्फ अदन के एहसान की वजह से। तौबा तौबा तौबा, मुमानी पर भी अदन का जादू चल गया। आपने देखा नहीं कितना कितना बड़ा ताना मार के आपको गई है कि आपने कुछ नहीं किया, जो किया अदन ने किया। ठीक ही तो कह रही, काश मुझे पता लग जाता उस वक्त अदन कैसे सा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम इतने ज्यादा केयरलेस हो गए। मुझे था मैं खाने तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं थी। I'm sorry. मैंने अक्षम और नाजिया को कॉल करके सॉरी बोल दिया। सॉरी सिर्फ तब मायने रखता है जब कोई गलती नादानी से की जाए, लेकिन जान बूझ कर की गई गलती के लिए सॉरी कहना कोई वैल्यू नहीं रखता। आपने जितना डांटना आप डांटिए, क्योंकि शीरी ने कहा है कि आप जो कुछ भी कहें गुस्से में मैं आगे से एक लफ्ज ना बोलूं। कम से कम कुछ उसी का एहसास कर लेती जो सारा दिन इस उम्मीद पर फोन देखती रही कि शायद तुमसे राब्ता हो जाए। लेकिन आपकी तरह नाराज नहीं है वो मुझसे? हाँ, क्योंकि वो तुम पर बहुत भरोसा करती और वो ये समझती है कि तुम शायद किसी इमरजेंसी की वजह से गए थे। कहाँ गए थे बताकर तो गया था आपको? जहाँ तुम बताकर गए थे वो झूठ था अदन। मैं तुम्हारी माँ हूँ और अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अपने बहन और बहनोई को किस इमरजेंसी की वजह से नजरअंदाज कर सकते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कम से कम अब तो उससे मिलना छोड़ दो। आप चाहती थी कि मैं शीरी से शादी कर लूँ, अब हो गई शादी, अब क्या जान लेंगी मेरी आप? मैं तुम्हारी जान लूंगी? शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात अपनी माँ से कहते हुए? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सोमिया से मिलना छोड़ दो अब तुम। एक ही बात है मामी, सोमिया जाए या आपके बेटे की जान।